पौराणिक कथाओं में मेरी रुचि कब उत्पन्न हुई ठीक से याद नहीं है, पर हाँ रश्मिरथी पढ़कर महाभारत और उसके पात्र मुझे लुभाने लगे थे, जिनमें कर्ण और कुंती मेरे सर्वप्रिय पात्र हैं। पर युगंधर को पढ़ते हुए मेरे मन बस द्रौपदी पर अटका रहा और मैं सोचने लगा कि उनकी पीड़ा को मुझे अपने शब्दों और भावों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर देने हेतु इस कविता का सृजन किया जो कहते हैं कि द्रौपदी ही महाभारत होने का कारण है। तब उनकी व्यथा को उन्हीं की ओर से हर एक स्त्री से जोड़ते हुए उस तथा कथित प्रश्न का उत्तर मैं अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व जगत की समस्त स्त्रियों को समर्पित करते हुए मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी 71वीं कविता द्रौपदी। सुनो कथा मैं कहती हूँ निर्भीक मूर्त लाचारी की, पारिजात के पुष्पों सी सुगंध लिए एक नारी की। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं पांचाल की राजकुमारी थी, सौत्रामणी माँ और द्रुपद तात की पुत्री आज्ञाकारी थी। सारे सुख और संपत्ति की वारिस मैं सुकुमारी थी, अपने भाई दृष्टद्युम्न की भगनी लाड़ दुलारी थी, अपने भाई दृष्टद्युम्न की भगनी लाड़ दुलारी थी। हुआ यज्ञ से जन्म मेरा, छत्राणी तो था धर्म मेरा, पांचालों और फिर पांडव को था सवल बनाना कर्म मेरा। यूं तो पांडवों का नीड में, पर लाज की फकीर में है नाम द्रौपदी मेरा, श्री कृष्ण की हूँ चीर में है नाम द्रौपदी मेरा, श्री कृष्ण की हूँ चीर में। बाल कन्या से मैं जब विवाह लायक हो गई, स्वयंवर के फिर मेरे वो प्रिय घड़ी आ गई। हर वीर की उपस्थिति थी, शुभ मुहूर्त और तिथि थी, ब्राह्मण वेश धारी पूर्ण करेगा प्रण ये विधि थी। पर बाद में लगा मुझे कि पाप मैंने कर दिया, कि सूर्य पुत्र कर्ण को था सूत पुत्र कह दिया। मत्स्य नेत्र करके भेद जीता पार्थ बिन त्रुटि के, मात कुंती के समक्ष भीतर पहुँचे हम कुटी के। अर्जुन बोला लाया हूँ क्या एक बार देख लो, देखे बिन ही कह दिया कि आपस में बांट लो। दुर्भाग्य से ये मेरे प्रतिकूल घटना घट गई, आज्ञा पाल नार्थ माँ की मैं पांचों में बट गई। ये दुख तो सह लिया मैंने और सबके मैं निकट गई, पर मेरे प्रति पांडवों की प्रीति सौतनों में बट गई। मात्र आज्ञा के समक्ष तब माना मजबूर थे, क्या अन्य विवाह करते मेरी व्यथा से भी दूर थे। सहर्ष स्वीकार किया मैंने दसों सौतनों को, एक धागे में पिरो दिया मैंने सभी के मनों को, एक धागे में पिरो दिया मैंने सभी के मनों को। युधिष्ठिर का धैर्य में, धनंजय का शौर्य में, हुई भीम का सा क्रोध शेष दो का सौंदर्य में। 6 वर्ष इंद्रप्रस्थ में क्षण भर में ही गुजर गए, फिर एक दिन द्युतसभा में वो सारे पल बिखर गए। ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने होश अपना खो दिया, होकर व्यसन में चूर मेरी लाज को डुबो दिया। कौरवों की उस सभा में कोई भी ना वीर था, सभी के मुख मौन थे हो रहा हरण चीर था। भीमार्जुन धर्मराज के गदा गांडीव ज्ञान का, ढह गया महल उनके झूठे अभिमान का। चल दिए हम द्वैत वन इंद्रप्रस्थ त्याग कर, 12 वर्ष का कठोर वनवास स्वीकार कर। पांडवों के जीवन के सुख दुख को बांट कर, ललकारा फिर कौरवों को अज्ञातवास काट कर, ललकारा फिर कौरवों को अज्ञातवास काट कर। ठहराते हैं मुझे दोषी जो कुरुक्षेत्र की हानि का, कटु वचन भी सुन ले वो मुझ जैसी अभिमानी का। पुरुषों का हर रिश्ता तो दर्पण था अपमान का, पर मैंने है मान बढ़ाया स्त्री के सम्मान का, पर मैंने है मान बढ़ाया स्त्री के सम्मान का। हुआ पतित समाज और हुआ धर्म का नाश था, दुर्योधन और कंस के मानो तोड़ने दंभ पाश का। जन्मा था एक मुरलीधर लौह सलाखों के पीछे, उसका ही ये निश्चय था अधर्म के विनाश का। मैं तो उसके खेल की एक छोटी सी पात्र थी, कुरुक्षेत्र के महायज्ञ की ना हेतुक एक मात्र थी। त्याग और लांछन सहकर मैं सुख से दूर स्वयोजन थी, पर खुश हूँ कि हिस्सा थी ईश के भद्र प्रयोजन की। सत्य है ये भी मेरे बिन तो मुश्किल ये महाभारत थी, वैसे ही है पूर्ण असंभव सृष्टि ये बिन औरत की।
सब स्त्री के भाग्य में ढेरों दुशासन तो बाधक हैं, पर क्यों हम भयभीत रहें जो कृष्ण हमारे साधक हैं। हर स्त्री का जीवन ही कुरुक्षेत्र की गाथा है, या तो वो है पांचाली या तो कुंती माता है, या तो वो है पांचाली या तो कुंती माता है।